बेटा एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए हमें पहले 8.1 के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए कि वो फॉर्मूले हमें किस किस तरह से यूज करने हैं। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूले से पी बी पी एच एच बी, यहाँ तक साइन कॉस टेन, साथ में कोई एक एंगल, टेन क्या कॉट सेक और कॉसेक, और फिर इनका रिवर्स, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, दैट मीन साइन थीटा होता है 1/cosec θ एंड कॉसेक थीटा होता है 1/sin θ, कॉस थीटा 1/sec θ, सेक थीटा 1/cos θ, टेन थीटा 1/cot θ एंड कॉट थीटा 1/tan θ। ये फॉर्मूले सारे आपको याद है। इसके बाद एक स्पेशल फॉर्मूला था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा रियल, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग न्यू एक्सरसाइज में जा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजें पहले हम लोग को देखनी पड़ेंगी कि ये चीजें क्या है। दैट मीन्स कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बीच में, वो आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे कि क्या आइडेंटिटीज है और वो किस तरह से वर्क करेंगे हम लोग को क्वेश्चन करने में, किस तरह से हेल्प करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटी आपके लिए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी बेटा, 1 - cos²θ, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, 1 - sin²θ। प्रॉपर वे में ये एक आइडेंटिटी है और उससे हमें दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब बात यह आती है आइडेंटिटी किस तरह से, दैट मीन्स उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसका नेमिंग जो भी आप चाहें, पी क्यू आर रख दिया मैंने, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। गिवन है हमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ ये करना है। तो हम लोग अब देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम लोग क्या लगा देते हैं उसके अंदर, एक पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। चलिए लगाइए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, ये हमारे पास है। इसमें हमें यहाँ पर लगानी है। अब आप देखिए किस तरह से लगा पाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास आ गया पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हमें आप ही लगा ली। अब बात करते हैं इस आइडेंटिटी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी अपॉन एच। एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करी, दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, कॉन एच हाइपोटेन्यूज सेम आ रहा है। दैट मीन्स हम अपनी इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हाइपोटेन्यूज जो वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज के एंड फिगर पी आर, तो हम लोग इसमें पी आर स्क्वायर से ईच टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड। पी आर स्क्वायर से ईच टर्म को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम लोग। चलिए डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर ईच टर्म डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वेयर ईच टर्म, तो सबके अपॉन में पी आर स्क्वेयर रख दिया, पी आर स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर इसका क्या बेनिफिट होगा हमारे पास, आप लोग जरा देखो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। पी आर स्क्वेयर से पी आर स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, 1। और यहाँ पी क्यू अपॉन पी आर है, इन दिस फिगर पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू कौन है यहाँ पर, पी, और पी आर कौन है यहाँ पर, एच, दैट मीन्स पी अपॉन एच कौन होता है, साइन थीटा, ये एंगल हमारे पास यहाँ पर थीटा बेटा, तो ये हो गया साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर लगा हुआ है।
ऐसे नेक्स्ट देखा हमने ये क्यू आर अपॉन पी आर डेट इज डी अपॉन एच. डी अपॉन एच कौन होता है हमारे पास? कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा. ये हमारी आइडेंटिटी इस तरह से क्या हो गई, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी नंबर वन है, जिसको हमने प्रूफ करने के लिए इस तरह से काम किया है. सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर क्या लगाया है, इसके अंदर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई. पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोगों ने ये चेक करा कि इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है. साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले देखें, जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू एच आ रहा था, तो दैट मीन्स हमने अपने फिगर में से एच की वैल्यू फाइंड करी पी आर, और पी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ईच टर्म को. तो पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर वन. पी क्यू अपॉन पी आर कौन होता है? पी क्यू अपॉन पी आर होता है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा. एंड क्यू आर अपॉन पी आर कौन होता है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा. इस तरह से आइडेंटिटी वन कंप्लीट होती है हमारी. आइडेंटिटी नंबर टू हमारे पास है sec square theta minus tan square theta is equal to 1. बेटा यहाँ से sec square theta की यदि वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा? 1 plus tan square theta. ठीक है, और यदि tan square theta की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? sec square theta minus का 1. अब हम इसे आइडेंटिटी को प्रूफ करना चाहते हैं. तो वही गिवन एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नेम क्या है PQR, और उसके अंदर क्यू कैसा है? 90 डिग्री. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसका नेमिंग क्या है? PQR, PQR, और ये क्या है? 90 डिग्री. तो हम लोग कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हम लोगों ने. पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. क्लियर है इसका? अब हम लोगों ने वापस से फॉर्मूला देखा. सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन बी. सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी. और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी अपॉन बी. फिर दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, दोनों के डेनोमिनेटर में क्या वैल्यू सेम आ रही है? बेस. तो हमारा इस फिगर में बेस कौन है? क्यू आर. डेटेस हम क्यू आर स्क्वायर से ईच टर्म को क्या कर दे? डिवाइड. क्यू आर स्क्वायर अपॉन में रख देखिए, पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, एंड क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज वन. क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. And PQ, PR upon QR. PR कौन है? H. And QR कौन है? Base. तो H upon B कौन है हमारे पास? Sec theta. तो ये हो गया sec square theta is equal to PQ upon PQ perpendicular है और QR कौन है बेटा? Base. तो P upon B कौन होता है? Tan theta. आप इसको side shift कर दीजिए. Sec square minus tan square theta is equal to 1. Identity number 2 आ गई. ऐसे same third identity है. Identity number 3 हमारे पास है cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. यदि यहाँ से cosec square theta की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितनी आएगी? 1 plus cot square theta. और यदि cot square theta की वैल्यू फाइंड करूँ तो cosec square theta minus 1. इसके अंदर टू वैल्यू. इस तरह से आप लोग इसको फॉर्म करेंगे अपने आप लोग. यहाँ तक कवर सेम है, फिर आपको देखना है कि आप इसमें किस चीज से डिवाइड करना चाहते हैं. तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से ही हम लोग और एक्सरसाइज 8.1 के जितने फॉर्मूले हैं उन्हीं से हम लोग अपनी 8.4 स्टार्ट करें. बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.4 से, उसमें साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है. बट इन तीनों के जो इजिकल टू में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टेन ए की फॉर्म आनी चाहिए. जैसे टेन ए इजिकल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए. तो ऐसे ही सेक का फॉर्मूले में जो इजिकल टू में आएगा उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसमें क्या होना चाहिए? केवल कॉट ए होना चाहिए. ऐसे जो साइन है, साइन वाले में भी क्या होना चाहिए? कॉट ए. तो हम लोगों ने अभी अभी जो तीनों आइडेंटिटीज पढ़ी है, हम उन तीनों आइडेंटिटीज को लेकर अपने क्वेश्चन को करने देंगे. तो आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करते हैं. देखिए आइडेंटिटी नंबर 3 क्या आती है मेरे पास? कॉसेक स्क्वेयर थीटा, यहाँ थीटा के पहले इस पर ए पुट कर देते हो, माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1. था यही आइडेंटिटी. यहां से मैं कॉट स्क्वायर को साइड शिफ्ट कर देती हूँ. कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट? अब कॉसेक ए को हम लोग साइन ए की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं.
एक्सरसाइज 8.1 में हम लोगों ने पढ़ा था cos A के इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन sin A. तो cos A के पहले इस पर क्या पुट कर दिए थे 1 अपॉन sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A. वैल्यू मुझे साइन ए की निकाली ना कि 1 अपॉन साइन ए की, तो इसको साइन ए में कर लेते हैं. साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. वैल्यू साइन ए की निकालनी है ना कि साइन स्क्वायर ए की, तो डेट मीन्स अभी स्क्वायर भी रिमूव करना होगा. जब हम इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कौन आ जाएगा अंडर रूट. तो नेक्स्ट साइन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. आपको देखिए साइन ए के इक्वल टू में जो वैल्यू आई है वो पूरी किस में आ गई कॉट ए में. तो आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोगों को यदि फॉर्मूले आते हैं तो एक हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते थे. कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर वन, कॉट स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया, कॉस ए के एक ही जगह पर वन अपॉन साइन ए पुट कर दिया एंड देन फाइंड योर आंसर. सेकेंड अब हमारे पास है सेक ए, तो अब इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे. आइडेंटिटी नंबर टू, सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हम यूज करें. सेकेंड आइडेंटिटी क्या कहती है हमारे लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन. यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर तो हमें चाहिए बट हमें कौन नहीं चाहिए यहाँ पर 10 नहीं चाहिए. तो 10 को किस में कन्वर्ट करना है कॉट में, क्योंकि मुझे तो कॉट में आंसर चाहिए. तो 10 ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट ए, और यहाँ स्क्वायर है तो ये आ गया कॉट स्क्वायर. टेकिंग एलसीएम कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर. अब यहाँ से स्क्वायर डालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा. इट मींस सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. अब ये अंडर रूट का साइन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है, बट कॉट स्क्वायर ए का यदि अंडर रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए. दैट मींस सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए. इट्स योर आंसर. एंड थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, टेन ए का आंसर कॉट ए मिलाना है. हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से कर लेते साइन ए सेक ए टेन ए तीनों का आंसर किसमें लेके आना था कॉट ए. तो देखिए कॉट ए में कन्वर्ट हो चुके हैं तीनों आंसर हमारे पास. क्वेश्चन नंबर टू आप लोग अपने आप करने का कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर टू में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करना बेटा. क्वेश्चन नंबर थ्री आपका एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड, दैट मींस की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है. यहाँ पर ओनली टू ही क्वेश्चन हमारे पास है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस में नहीं है. वैसे इस बार का जो पोर्शन आपका आया सीबीएसई से उसमें डिडक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले ये टू क्वेश्चन आ लेते हैं, ऊपर वाला फर्स्ट एंड नेक्स्ट नीचे वाले को सेकेंड. यहाँ पर 63 और 27 है, दोनों को सम करके कितना आता है 90. तो या तो हम दोनों को 27 में मेंटेन कर ले या दोनों को 63 में मेंशन कर ले. या तो दोनों को 63 बना ले या दोनों को 27 बना लेते हैं. तो योर चॉइस, जैसा आप चाहें. हम लोग चेंज किस तरह से करते हैं, नेमिंग से. हम लोगों ने कहा हमने साइन की जगह पर क्या रख दिया कॉस, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस ये वाला एज इट इज रहा फिर हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इसको 27 में कन्वर्ट कर रहे हैं. सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में भी ऐसे करना है, या तो आप 17 को 73 बनाइए, 73 को 17, जो आपका मन चाहे. तो मैंने पहले वाले को ले लिया, कॉस स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज रहा. अब आप यहां देखो माइनस करा कॉस स्क्वायर 90 में से 63 माइनस करो तो कितना आता है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर में से एज इट इज ये 90 में से 17 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73. अभी हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी. फर्स्ट पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1. दैट मींस थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं. तो आप जरा यहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या है 27. 27 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1.
सिमिलरली नीचे भी देखिए आप, यहाँ 73 और यहाँ 73 है, दैट इज दोनों की जगह थीटा की वैल्यू सेम है, यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो अभी कितना हो गया 1/1, ये आंसर आ गया आपके पास। सिमिलरली हम लोग सेकेंड पार्ट को ट्राई करेंगे, अपने आप करके देखेंगे सेकेंड पार्ट में, यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जरा आप देखो क्वेश्चन 4 कहने के लिए एमसीक्यू है, बट क्वेश्चन को हम लोगों को करके देखना होता है। यहाँ से किस स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कितना इजी क्वेश्चन था। आइडेंटिटी नंबर 2, अभी अभी जो टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज कराई है, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, दैट मींस 9 1 9, इट्स योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a, कहने के लिए तो ये हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप होगा कि हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ sin a एंड cos a, sin theta cos theta में। तो sec क्या होता है 1/cos a, देखो फॉर्मुले की कितनी नीड है ना, जब तक हमें फॉर्मुले लर्न नहीं होंगे, हमारे टिप्स पर नहीं होंगे, हम लोग एक्सरसाइज में आगे नहीं जा पाते। tan a को क्या लिखेंगे sin a अपॉन cos a। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या ले लें हम ब्रैकेट में एलसीएम, क्या आया बच्चा कॉस ए, ऊपर आ गया 1 + sin a, और जो बाहर ब्रैकेट है वो क्या है 1 - sin a। यहाँ पर आप देखें तो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 + sin a 1 - sin a, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड बी मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। वापस से आइडेंटिटी नंबर 1 जो अभी अभी हम लोगों ने करी है, वहां से यदि हम 1 - sin² a की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ रही है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 - sin² के पहले इस पर क्या पुट कर दो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस ए, तो एक बार कॉस कैंसिल हो गया, आंसर इज कॉस ए। बेटा इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अभी थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, थोड़े से और टिपिकल होते चले आएंगे कैलकुलेशन वर्क में। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 + tan² upon 1 + cot² 1 + tan² आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहती है sec स्क्वायर है, एंड 1 + cot² आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहती है cosec स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, sec को तो लिख सकते हैं 1/cos, दैट मींस cos स्क्वायर है, कॉस सेक को लिख सकती हूँ 1/sin, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए कौन होता है बेटा टेन, क्या होता है टेन, तो यहाँ आ गया टेन स्क्वायर ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो आइडेंटिटी और फॉर्मूले यदि हमें याद है, बहुत अच्छे से आते हैं, उनको यूज आता है, तो हम क्वेश्चन को इजी वे में कर पाते हैं।